हमने शुरुआत के 2-3 घंटे में ही नियंत्रण में ले लिया था। राजस्थान से क्या तुलना करते हो, वहां तो सीरीज बन रही है, करौली, जोधपुर, भीलवाड़ा, अलवर, कहीं दंगे नियंत्रित ही नहीं हो रहे, सीरीज बना रखी है, इंटरनेट बंद कर रहे हैं। हमने नहीं किया इंटरनेट बंद, हमने नहीं किया। अब ये बुलडोजर जो है ना, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट या उनकी टीम पे चलाने से अच्छा अपराधियों पर चलाते, दंगाइयों पर चलाते, तो बात समझ में आती जो कानून के खिलाफ काम करते हैं। और उन पे नहीं हो तो यूपीएमपी से मंगवा लो, भिजवा देंगे। कांग्रेस पार्टी जो है ना, पार्टी की बजाय अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसी होती जा रही है। इस कंपनी में कुछ लोग फ्रेंचाइजी लिए बैठे हैं ऐसा लगता है। अकेले पी चिदंबरम और अधीरंजन जी की बात आप क्यों कर रहे हैं? इनका कांग्रेस नेताओं का मैं ध्यान आकर्षित आपका करता हूं देश की तरफ। छत्तीसगढ़, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव, इनमें कोल्ड वार चलता ही रहता है। राजस्थान, अशोक गहलोत और सचिन पायलट जी। महाराष्ट्र, नाना पोटले वर्सेज नितिन राउत जी, उनमें चलता ही रहता है। हरियाणा में भूपेंद्र हड्डा और बहन कुमारी शैलजा जी के बीच में। कर्नाटक, सिद्धारमैया जी, डीके शिवकुमार जी। केरल, सुधाकरन वर्सेज बीडी सतीशन जी। इसलिए कम और अचंबा ये इस घमासान से राहुल बाबा को कोई लेना देना नहीं है, वो अपने शादी ब्याह में आराम से चल रहे हैं। अब ये कांग्रेस पार्टी नहीं चल रही, सीपीएल चल रहा है वहाँ पर, कांग्रेस प्रीमियम लीग के नाम से सीपीएल चलाया जा रहा है। देश की अगर हम बात करें तो बिजली कटौती को लेकर दिग्विजय सिंह जी कटाक्ष कर रहे हैं और कह रहे हैं छाछ बोले तो बोले, दारी छालनी भी बोले, जिसमें 76 तो छेद। वो व्यक्ति बोल रहे हैं जिनके समय में बिजली कभी कभी आती थी, हमारे में तो कभी कभी जाती है। वो आदमी बिजली पे अचंबा होता है ना। कमलनाथ जी किसान की बात करें, जिनने कर्ज माफी पे धोखा दे दिया। दिग्विजय सिंह जी बिजली पे बात करें, वो कांग्रेस नौजवानों को रोजगार देने की बात करें, जिसने बेरोजगारी भत्ते के नाम पे नौजवान को ठग लिया, एक को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। अब ये कांग्रेस की स्थिति धीरे धीरे हास्यास्पद होती जा रही है।